Good morning, students. Today we will discuss the next biomolecules, that is protein. Protein is a very important biomolecules. It is composed of a long chain of amino acids. And the sources of proteins are milk, egg, pulses, etc. This nucleus introduces amino acids. What is amino acid? It's the monomer of the protein chain. Okay, so proteins is the biopolymers of amino acids. And amino acids ka protein ek polymer hai. Polymer kya hota hai? Large molecular mass compounds are called polymers. But technically agar hum dekhe, so it is not the polymers, it is the macromolecules. Polymers ki kya hote hain? Jisme large molecular mass compound ho, lekin jo monomer units hain, wo certain time baad repeat ho. यानी उनका रिपीटेशन का टाइम फिक्स हो, या दो यूनिट बाद वो यूनिट आ रही है, तीन यूनिट बाद वो यूनिट आ रही है. मीन्स रिपीटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट इज फिक्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. बट इन मैक्रोमोलिक्यूल्स द रिपीटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर नॉट फिक्स्ड. मीन्स ऐसा नहीं है एक लंबी सी चेन आई ए बी सी ए बी ए, इट मीन्स रिपीटेशन आप देखें सर्टेन टाइम पर फिक्स नहीं हुआ. यहाँ पर ए का रिपीटेशन दो के बाद आया, बी सी के बाद, यहाँ पे बी के बाद रिपीटेशन हो गया. इट मींस प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स एक एमिनो एसिड की चेन है जिसमें मोनोमर यूनिट्स का रिपीटेशन फिक्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन्स. अब जरूरी नहीं है प्रोटीन्स में एमिनो एसिड ही हो, एमिनो एसिड के अलावा कुछ और भी हो सकता है. जैसे ब्लड में प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, तो उसमें एक अलग ग्रुप होता है हीम, हीम मींस आयरन. आयरन क्या है? एमिनो एसिड के अलावा एक चीज है, एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप. That's called prosthetic group. It means hemoglobin is a globular protein which contains iron as a prosthetic group. Okay, now come to the point. It is protein is responsible for the growth and maintenance of the living beings. There are 20 amino acids present in the proteins. So 20 amino acids known hai. Kuch aur amino acids bhi hai jo isi ke hi se hi bante hain. 20 amino acids hai. Yani iske hi derivatives hai. नेचुरली ऑकरिंग एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? अल्फा एमिनो एसिड. व्हाट इज अल्फा एमिनो एसिड? पहले तो एमिनो एसिड पता होना चाहिए क्या होते हैं एमिनो एसिड्स. इट कंटेन्स वन एन एच टू एंड वन सी डबल एच टू. मीन्स एक एमिनो ग्रुप हो और एक एसिड ग्रुप हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड्स. ठीक है, ऑल एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव. इन्हें अल्फा क्यों बोल रहे हैं? पहले तो यहाँ अल्फा, क्योंकि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन निकलता है अल्फा. That's alpha. Alpha पर ही NH2 group कर रहा है, इसलिए alpha amino acids. All amino acids are optically active. Means एक NH2 है, एक double OH है, HY R. R means यहाँ alkyl group नहीं है, कुछ भी हो सकता है. R में H भी हो सकता है, R में alkyl group भी हो सकता है, R में CH2, C6H5 भी हो सकता है. It means R के हम H लगा दिए, तो आप देखिए optically inactive हो गया, क्योंकि इस कार्बन पर एक NH2, एक double OH, एक H और एक H. अगर चौथा ग्रुप अलग होता कोई, तब तक ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन ये एसिमेट्रिक नहीं है. रीजन क्योंकि यहां पर एच आ गया है. एक इसका स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन. कहा गया ऑल एमिनोस का ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में आर के प्लेस पर क्या है? एच. ओके, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है. क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल. अगर NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बन पर, जैसे मैंने अभी मैंने बताया अल्फा, दैट्स कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड्स. ओके, दिस इज जनरल फार्मूला, बिकॉज वी टेक हियर आर, आर अगर हम लेते हैं तो वो जनरल फार्मूला है. ठीक है, नेक्स्ट सी डबल ओ एच सी एच आर, और यहां पर क्या है? सी एच टू ग्रुप और एक आ गया, इधर फिर आ गया नेक्स्ट, मींस अल्फा बीटा, ने बीटा पर एनएच2 ग्रुप है, दैट्स अ बीटा बीटा एमिनो एसिड्स. एक कार्बन कौन गया? थ्री अल्फा बीटा गामा, दैट्स गामा पहले शुरू आ गया, दैट्स गामा एमिनो एसिड्स. ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इन फूड्स. कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है अपने आप ही. कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं ऐसे होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, लेकिन हम बाहर से लेते हैं, किसी सोर्स से उसको ले रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी. हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हम किसी मस्ट बी सप्लाइड आउटसाइड, मींस किसी भी खाने की चीज से, किसी भी डाइट से हम वो एमिनो एसिड लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड, वैलिन, लाइसिन एंड थ्रियोनिन एग्जांपल है कुछ इसके. सेकंड है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स.
विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करे यानी हम बाहर से नहीं लेते, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड. नेक्स्ट नंबर थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मींस किसी भी एमिनो एसिड में कितने एनएच2 ग्रुप हैं, कितने स्टेबलाइज ग्रुप हैं, उस पर बेस्ड क्लासिफिकेशन. अगर किसी एमिनो एसिड में एक एनएच2 मींस जैसे मैंने यहां बताया एक एनएच2 एक तो ये कैसे एमिनो एसिड्स हुए, वन एनएच2 वन स्टेबलाइज, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एंड ल्यूसीन. नेक्स्ट बेसिक एमिनो एसिड, टू एनएच2 एंड स्टेबलाइज, आप कह सकते यहां पर भी एक एनएच2 हो सकता है, तो इसमें इस आर ग्रुप में कोई भी लंबी चेन हो और उसमें एक एनएच2 ग्रुप ऑर्डर होगा, इट मींस basic amino acid contains 2 NH2 group and 1 C double bond. So they are called basic amino acid, lysine, histidine, ornithine, etc. But use that. Next number C, acidic amino acid. इसमें क्या हुआ? एक NH2 होगा और दो C double bond होंगे. That's called aspartic acid and glutamic acid. So it is all about the classification and general introduction of the proteins. Okay. Thank you.